तो क्या मेरी रूपम दीदी जिंदगी भर कुमारी रह जाएगी? नहीं पिताजी नहीं, हम ऐसा होने नहीं देंगे, अपने आप को बेच देंगे, लेकिन रूपम दीदी की शादी अवश्य करेंगे। लेकिन पिताजी आप जहां गए थे वहां पर क्या हुआ? मुझे पसंद नहीं पड़ा बेटा, लड़का तो एकदम मिठुरा था और उसके घर वालों का सपना करोड़पति का था, मगर एक जगह बात हुई थी, पर देखते क्या होता है। वो कैसा है पिताजी, लड़का क्या करता है? उन लोगों की जिंदगी के पैटर्न कैसे चल रही है पिताजी? बेटा और उनका स्वभाव बहुत सही है, सिर्फ दौलत राम का बेटा है और उसका नाम प्रेम है, प्रेम, और मुझे तो बहुत पसंद है बेटा, और मेरी बेटी रूपा उनके घर में खुश रहेगी। बेटा मैं उसका फोटो लाया हूँ, देखो बेटा, लड़का तो अच्छा है पिताजी। रह गई बात दहेज की, बगैर दहेज में तो शादी होगी नहीं, दहेज दिया जाएगा पिताजी, हम अपनी रूपम दीदी के खाते अपने आप को बेच देंगे। लेकिन पिताजी अगर रूपम दीदी की शादी हो रही है तो अगर हमें दहेज ही देना है तो हम साधारण परिवार में क्यों शादी करें? वाह बेटा वाह, और हमें तुम पे नाज है, किस बात की वाहवाही हो रही है पिताजी? दीदी तुम्हारा एग्जाम तो हो गया, लेकिन अब एक एग्जाम और बाकी है दीदी, तुम्हारी शादी की एग्जाम। चलो तुम्हारी शादी एग्जाम कैसी होती है देखते हैं। मेरी एग्जाम मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हारी शादी की एग्जाम दीदी, तुम कब तक इस घर में रहोगी? अच्छा तो तुम्हें मेरे शादी की फिक्र पड़ गई, पहले एक एक तुम शादी करके भाभी ले आओ, फिर मेरे बारे में सोचना। नहीं रूपम दीदी नहीं, तुम मुझसे बड़ी हो, पहले तुम्हारी शादी होगी फिर हमारी होगी। हाँ बेटी हाँ, जवान बेटी को जला देना कर, अभी घर में कुमारी रखना अच्छा नहीं होता है। पिताजी क्या मैं इतनी पढ़ाई हो गई हूँ जो आप मुझे अपनों से अलग करना चाहते हैं? बेटी तो पढ़ाई जी, मैं शादी नहीं
तो इसमें हर्ष की ही क्या बात है दीदी, इसी बहाने हम भी खाना बनाना सीख जाएंगे। हाँ बेटी, अभी तुम्हारा भाई जिंदा है, मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से करूंगा। छोड़ इन बातों को, एक समय काफी बीत गई है, चलो मैं अब आराम करता हूं और कल हम लोग को दौलतराम के घर चलना होगा और रूपम की शादी क्या आप सचमुच में मेरी शादी कर देंगे पिताजी? हाँ बेटी, मैं सोचता रहा हूं, मगर जिंदगी का क्या होगा। हाँ दीदी, हाँ मैं तुम्हारे लिए ऐसे दूल्हा खोजूंगा कि जो तुम्हारी कान पकड़कर हमेशा काम करवाए। तुम मेरे शादी करवाना चाहते हो, तेरी है हिम्मत? मैं तुम्हारा काम खींच लूंगी। नहीं दीदी नहीं, मैं सॉरी बोलता हूं, मैं तो मजाक कर रहा था। चलिए पिताजी, चलिए आगे की बात नहीं करते हैं। हाँ बेटा, चला जा।